ने मेरी माँ को फर्स्ट डे बोला था तो इवन शी वाज शॉक्ड, हाँ तूने मुस्लिम में शादी करी, लेकिन मेरी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया आदिल को। अल्लाह पे, गॉड पे पूरा भरोसा। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हाँ वो जो, हाँ वो अच्छा हुआ याद दिला दिया। देखो जो बहुत से गैर मुस्लिम हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, इनमें ख़वातीन इसमें ज़्यादा मुब्तला हैं, अगर वो इस्लाम का ऐलान कर दें तो उनके माँ बाप मार देते हैं उनको। और ज़्यादा वायरल करें, ये बहुत ज़्यादा गैर मुस्लिम इसमें मुब्तला हैं भाई, वो फिर परेशान होते हैं। तो उन लोगों से मैं कहता हूँ, देखो हमें कुरान ने इजाज़त दी है कि अगर आप पर तशद्दुद का ख़तरा हो, जान का ख़तरा हो, तो इस्लाम इजाज़त देता है कि आप छुप के कलमा पढ़ लें, छुप के इस्लाम कबूल करें और सामने आप उसका इजहार ना करें। इससे कम से कम उस जहन्नम की आग से बचत हो जाएगी। ऐसा आदमी मरेगा या ऐसी लड़की की मौत वाकई होगी और वो अपने इस्लाम शो नहीं कर सकी सारी ज़िंदगी, लेकिन वो तन्हाई में अल्लाह से उसने कह दिया कि अल्लाह मैं ईमान लाती हूँ कि तू एक है और कुरान को तेरी किताब मानती हूँ, तमाम पैगंबरों पर ईमान लाती हूँ। मैं ख़वातीन के सीगे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा ख़वातीन मुब्तला हैं इसमें, और ईमान इस्लाम कबूल करने में मर्दों की नस्बत ख़वातीन का रेशो भी ज़्यादा है और उनके लिए मसाइल भी ज़्यादा होते हैं। और गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ बहुत मसाइल पता है क्या होते हैं, उनको किसी मुसलमान का रिश्ता नहीं मिलता, ये बड़े मसाइल, और मिलता है तो फ्रॉडी। ये आजकल बहुत मेरे सामने इतने हालात आ चुके हैं, कोई कादियानी लड़की मुसलमान हो गई, कोई हिंदू मुसलमान हो गई, कोई ईसाई मुसलमान हो गई, अब वो बेचारी घर से तो वो बेघर हो गई, घर वालों ने निकाल दिया, अब कोई ठिकाना ही नहीं दे रहा उसको। अब कोई मुसलमान मिलता है तो उसको पता है ये मजबूर है, इसके पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, तो दो नंबर आदमी टकर जाता है। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं। एक नंबर आदमी इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसके माँ बाप राजी नहीं होते, तो भाई हम गए कि ईसाई घराने में क्यों शादी करें, हिंदू घराने में क्यों करें, सिखों में क्यों करें, इसके माँ बाप तो सिख ही है ना, तो आना जाना तो होगा, इस्लाम में रिलेशन तो है ना। बहरहाल आपकी बीवी मुसलमान हो गई, आपने शादी कर ली, तो उसकी माँ बहरहाल आपकी सास बन गई, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो। तो आप पर इस्लाम तो कहता है सिला रहमी करनी है, इस्लाम आपको बायकॉट की इजाज़त नहीं देता। वो लोग तो कर लेते हैं बायकॉट अक्सर उनमें, भाई दामाद मुसलमान है तो हमने नहीं मिलना इससे, लेकिन इस्लाम आपको बहरहाल रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म देता है कि क्या चाहे गैर मुस्लिम है, अब आपके रिश्तेदार बन गए तो अब आपने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। हदीस में आता है सबसे ज़्यादा लायक एहतराम वो है जिसकी बहन या बेटी तुम्हारे निकाह में हो। इस हदीस में नबी ने यह नहीं फरमाया कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान, जब वो गैर मुस्लिम थे उस वक्त भी उनका इकराम किया, इसलिए कि हज़रत अबू सुफियान की बेटी आपके निकाह में थी। समझते हो कि नहीं समझते? तो जो गैर मुस्लिम है भाई, इस्लाम ने उनके लिए पैकेज दिया। अगर आप अपने इस्लाम को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकते, मजबूरी के हकाम में आप अपने पेरेंट्स के सामने या रिश्तेदारों के सामने अपने आप को गैर मुस्लिम शो करें, लेकिन अल्लाह के सामने आप ऐलान कर दें तन्हाई में, अल्लाह देख रहा है, और ये नीयत करें कि जब मैं इस टेंशन से निकला या निकली तो मैं अपने इस्लाम को लोगों के सामने जाहिर कर दूँ, तो वो तन्हाई में ये ऐलान कर दें कि ऐ अल्लाह मैं लोगों के सामने ये ऐलान नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप मुझे जान से मार देंगे या बहुत ज़्यादा तशद्दुद होगा मेरे मुझ पर, तो मैं तुझे गवाह बना के ये कहती हूँ कि मैं एक खुदा पर ईमान ले आई। अरबी में कलमा पढ़ना नहीं आता, जिस जबान में, इंग्लिश में, फारसी में, उर्दू में, पश्तो में, जो जबान आती है उसमें पढ़ लें, और वो कलमा क्या है, ऐ अल्लाह मैं तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करती और मैं तमाम पैगंबरों पर ईमान लाती हूं जिनमें आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं दिलो जान से इस बात का तुझसे मुआहदा अहद करती हूं कि अल्लाह जितने अहकाम इस्लाम ने मुझे दिए हैं मैं उन पर अमल करने की कोशिश करूंगी जितना मेरे लिए मुमकिन हुआ। बाज़ दफ़ा मुमकिन नहीं होता, आप सबके सामने नमाज पढ़ने में खतरा होता है, तो भाई छुपके पढ़ लें, छुपके भी मुमकिन नहीं है तो इस्तिग़फ़ार कर लें, फिर कज़ा पढ़ लें उसकी, तो और मैं तकदीर पर ईमान और जो भी इस्लाम के बुनियादी अकायदे उन पर ईमान लाती हूँ। तो ऐसा मर्द या ऐसी औरत जब इस्लाम कबूल करेगी तो अल्लाह की नज़र में क्या होगी, वो मुस्लिम। लोगों को नहीं पता लेकिन अल्लाह को पता है। अब उसको मौका ही नहीं मिल रहा कहीं ना,
इस्लाम के इजहार का, जहां मौका मिलेगा तो फिर उस पर वाजिब है कि वो इजहार करे। मौका का मतलब ये मुसीबत छट गई, जैसे कोई खातून किसी कंट्री में रहती थी, वहां टेंशन थी, वो हिजरत करके किसी दूसरे मुल्क चली गई, वहां वो मसला नहीं है और अब उसको वो खतरात नहीं है, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो इसका इजहार कर दे। लेकिन अगर फिर भी खतरात हैं तो इजहार ना करे, तो ठीक है, गैर मुस्लिम उसको गैर मुस्लिम समझेंगे, उसको गैर मुस्लिमों तरीक़ों से दफनाया जाएगा जो भी होगा, लेकिन अल्लाह की नज़र में उसका शुमार अहले इस्लाम में होगा, तो आखिरत की आग से हिफाजत हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए इस्लाम की तरफ से, ये मेरा पैकेज नहीं है, ये अल्लाह ही ने कुरान में बयान किया है, उन लोगों के लिए जो गैर मुस्लिम किसी भी सूरत में अपने इस्लाम को शो ना कर सकें तो वो इस तरह से मुसलमान हो जाएं। हिम्मत की बात तो ये है कि ऐलान कर दें और जो मसाइल आए उनको फेस करें, लेकिन इतनी हिम्मत हर एक में नहीं होती। तो इल्ला मन उकरिहा वकल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कुरान कहता है कि जिसको मजबूर किया जाए, दिल से मोमिन हो, ऊपर से अगर वो झूठ में कलमे का इजहार कर दे और कलमे का इनकार कर दे, इस्लाम का इनकार कर दे, लेकिन दिल में वो अल्लाह से कह रहा हो कि अल्लाह मैं इनके शर से बचने के लिए कर रहा हूँ, मैं दिल से गैर मुस्लिम नहीं हूँ, तो जो ये काम करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की नज़र में वो भी मोमिन शुमार होगा, क्योंकि अल्लाह दिलों के हालात को जानता है। तो लेकिन जहाँ मौका मिल जाए, अमन की हालत में आ जाए, तो फिर वहाँ इस्लाम का इजहार उसके लिए, फिर ये नहीं कि कोई आपसे पूछ रहा है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप मुस्लिम हैं या काफिर, आप हिंदू हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, और आपने मजाक में भी कह दिया कि मैं सिख हूँ, तो इस्लाम से इंसान निकल जाता है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप मजबूर नहीं थे, आपने क्यों कहा, तो हकीकत में भी बहुत से लोग गैर दूसरे मुल्क के वीज़े के लिए अपने आप को नॉन मुस्लिम शो कर देते हैं, बहुत से ज़कात से बचने के लिए अपने आप को गैर मुस्लिम लिख देते हैं। तो उलमा का मुत्तफ़िका फतवा है तमाम मसलक के उलमा का कि अपने आप को ज़कात से बचने के लिए या किसी मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए अगर आपने गैर मुस्लिम लिख दिया तो हकीकत में भी आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे और निकाह भी टूट जाएगा, हज किया हुआ था वो भी बातिल हो जाएगा। लेकिन मजबूरी के हकाम अलग है, मजबूरी यही है कि जान का ख़तरा है, टॉर्चर करने का ख़तरा है, लड़कियाँ ये ज़्यादा मजबूर होती हैं। बाकी नमाज कैसे पढ़ेंगी, वो भाई छुपके कमरे में नमाज पढ़ लें, और ख़तरा हो कोई देखने का, हर वक्त तो 24 घंटे कोई भी साथ नहीं रहता ना, तो जहाँ तक इस्लाम को फॉलो किया जा सकता है वो फॉलो करें, जो नहीं है तो जिसके लिए इस्लाम कबूल किया है वो देख रहा है। हमने निकाह करने से ईमान मुकम्मल हो जाता है, सवाल के चार निकाह करने में जिल्लत सारी हो जाती है, कह रहे हमने उलमा से सुना है कि एक शादी करने से ईमान मुकम्मल हो जाता है, तो चार से तो फिर जन्नतुल फिरदौस वाजिब हो जाती होगी। आप करके देखें, आपको खुद लगेगा कि वाजिब होती होती महसूस हो रही है आपको, दावा तो कोई नहीं कर सकता, महसूस होना शुरू हो जाएगी, गुनाह झड़ना, टेंशनें इतनी आएंगी कि आहिस्ता आहिस्ता गुनाह माफ होना शुरू, आपको ऐसा लगेगा अल्लाह तूने इतनी टेंशन मुझे यहां रखा, मेरा जमीर कहता है कि तू इतनी मुझे वहां टेंशन नहीं देगा। वो कहते हैं ना, एक आदमी को ख्वाब आया कि फरिश्ते पूछ रहे हैं भाई कितनी शादियाँ, उसने कहा एक शादी, बोला इधर जहन्नम में, कितनी, दो, चल जन्नत में। तो यही पूछ रहे हैं, किसी ने फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा ये पहले बेचारा दो शादियों वाला जहन्नम देख कर आया हुआ है, उसको यहाँ पे हमने उलमा से सुना है कि ये हो गया भाई, क्या इस्तिगफार पढ़ते, चार शादियाँ जहन्नम में जाने का भी सबब बन सकती हैं अगर उनके हुकूक अदा ना करो, ये जहन में रखो। नबी ने फरमाया जिसकी दो बीवियां थीं और उसने उनके दरमियान अदल नहीं किया, उनके हुकूक अदा नहीं किए, एक तरफ माइल हो गया, दूसरी को लटका दिया, तो उसका आधा धड़ फालिज ज़दा होगा। तो ये चार शादियां जब जन्नतुल फिरदौस को लाजिम करेंगी, जब चारों के हुकूक अदा करें, लटका के ना छोड़ें किसी को। इस्तिगफार पढ़ते पढ़ते क्रिकेट मैच देख सकते हैं, पूछ रहा है सवाल, मैं नहीं जवाब दे रहा इसका, मेरी ख्वाहिश है कि किसी गरीब घराने में शादी करूं ताकि जब लड़की रुखसत हो तो शुक्रगुजार रहे और ज़्यादा ख्वाहिशात ना हो, लेकिन वालदेन राज़ी नहीं है, वालदेन कह रहे मालदार घराने में। देखो इंसान का जहां मेंटल लेवल मिलता नहीं है ना, वहां फिर इंसान मोहब्बत भी नहीं कर पाता। तो अगर बहुत ज़्यादा मालदार आदमी बहुत ज़्यादा गरीब लड़की से शादी करेगा तो लड़की तो शुक्र तो अदा करेगी, लेकिन इसमें इस बात का भी ख़तरा होता है कि सिर्फ शुक्र ही अदा करेगी, मर्द को उस शुक्र की कदर भी नहीं होगी, वो कहेगा जाहिर है वहाँ इसको रोटी नहीं मिलती थी और हमारे यहाँ पिज़्ज़े खा रही है, बर्गर खा रही है, तो वो शुक्र को भी कदर की नज़र देखेगा नहीं। तो निकाह में इसका ख्याल करना चाहिए, अपने से कमतर हो, आप जिस जहाँ लड़की से शादी कर रहे हैं वो आपसे कमतर, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो।
इससे फिर मोहब्बत नहीं हो पाती। और अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो फिर उसमें कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो उस फर्क को, उस नुकसान की तलाफी कर रही हो। जैसे आप अरबपति हैं, लड़की झोंपड़ी में रहती है, तो ये शादी बनेगी नहीं इतनी। लेकिन बहुत ज्यादा एजुकेटेड है वो लड़की, तो फिर गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उसके जो जो लिविंग स्टैंडर्ड था इतना कम था, लेकिन तालीम ने उसकी तलाफी कर दी। या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा कोई हसीना होती है, खूबसूरत होती है, तो आदमी कहता है यार ऐसी तो मुझे बंगले में भी नहीं मिल रही जैसी मुझे, तो वो खूबसूरती उसकी तलाफी कर रही होती है। या दीनदार बहुत ज़्यादा होती है, तो दीनदारी उसके उस नुकसान की तलाफी कर रही होती है। तो जब तक ऐसा ना हो तो फिर इंसान अपने से कमतर में तो निकाह करे, लेकिन बहुत ज़्यादा जब कमतर में जाएगा तो फिर वो फिर मोहब्बत नहीं करेगा उसको। वो यही समझेगा यार मेरा इस पर एहसान है, इसको झोंपड़ी से उठा। एक साहब ने की ना ऐसे शादी, बड़े मालदार थे, बहुत ही गरीब लड़की से कर ली। अब हर थोड़े दिन बाद उसको ताने दे देगी बेचारी को कि तुम्हारे घर में तो ये भी नहीं था, मैंने ये दे दिया, तुम्हारे घर में तो ये भी नहीं था। तो इतना बड़ा ज़र्फ आजकल लोगों का मार्केट में होता नहीं है कि वो फिर ताने ना दें। लेकिन अगर चार शादियाँ करनी है तो फिर आपको चार गरीबी तलाश करनी पड़ेंगी, अगर आप ज़्यादा मालदार नहीं हैं, समझ रहे हो? इतने पैसे कहां से लाओगे? तो मेरे भाई, मेरे बेटे मोहम्मद इब्राहिम की आंख ऑपरेशन है, दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला कामयाब करें। एक बार ये दुआ करें अल्लाह इब्राहिम के ऑपरेशन को कामयाब करो। आमीन, दिल से दुआ अल्लाह ताला इब्राहिम के ऑपरेशन को कामयाब करें। मुफ्ती साहब जब साहब अकराम शादी करते थे तो नहायत सादगी से करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदऊ नहीं करते थे। जबकि आज अगर हम इस तरह करते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमें नहीं बुलाया, फ़लाँ रस्म नहीं की गई। ऐसे में सुन्नत के मुताबिक सादगी से कैसे निकाह करें? परवाना करें लोगों की? सावा कर लेते थे, जो मिल गए, जो जो करीब थे उनको बुला लिया, जो दूर हैं उनको रहने दिया। तो आप भी ऐसे ही कर लें। लोग इस पे नाराज़ होते हैं कि फलाने वाले को तो बुला दिया डिमकाने, उसको नहीं बुलाया, हालांकि रिश्ता दोनों से सेम है। अब बड़े भाई को बुलाया, छोटे भाई को नहीं बुलाया, तो फिर तो उसको गुस्सा आएगा ना, वो बिल्कुल बजा गुस्सा है। तो जो जिस कैटेगरी के लोगों को बुला रहे हैं उनमें फिर सबको बुलाना पड़ता है आपको। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि क्या आदमी अपना निकाह खुद पढ़ा सकता है अगर पढ़ाना आता हो? जी, खुद भी पढ़ा सकता है अपना निकाह। अफजल ये है कि किसी नेक आदमी से निकाह पढ़ाया जाए। सहाबा कराम के दौर में भी कोई तीसरा निकाह पढ़ाया करता था, लेकिन जायज़ है, अपना निकाह खुद पढ़ा सकता है। आप मौलाना सम चौधरी साहब जो थे, उन्होंने अपना निकाह खुद पढ़ाया। जब मैं उनके मुझे बयान के लिए बुलाया था तो हज़रत मौलाना सम चौधरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपना निकाह खुद पढ़ाया उन्होंने। उन्होंने कहा मैंने फलानी से अपना निकाह किया। खुद कबूल ही हो गया ना, बकिया तो हो गया। आज एक दूल्हा आया, मैंने कबूलवाने से पहले ही कबूल लिए वो हैं असर में ना। मैंने मजाक सूझा था, लेकिन मैंने कहा ऐसा ना वो बेइज्जती ना महसूस करें ना। मैंने उनसे कहा मैंने फलानी बिनते फलान से आपका निकाह किया, आपने अभी मैं बोलने वाला था कबूल, आपने कबूल किया, ये अल्फाज में बोलता हूँ ना, अभी मैंने बोले उन्होंने कहा कबूल है। तो मुझे फिर मजाक सूझा, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्पीड है आपकी स्पीड, थोड़ी सी हम भी कबूलते हैं, हमने भी अल्लाह का शुक्र है निकाह हुए हमारे, कबूला है, और हमारे अंदर भी शादी का शौक अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से रहा है, स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन मैंने कहा ऐसा ना दूल्हा नाराज़ ना हो जाए, स्पीड आपकी बहुत तेज है, मुझे बोलने तो दो, आपको कबूल है फिर आप बोलो हाँ कबूल है। अक्सर तो ढीले होते हैं बेचारे, ऐसे सुस्त होते हैं, उनसे बोलो ऐसे मुनहनी सी आवाज़ निकलती है, कबूल आवाज़ ही नहीं आ रही होती। तो मैं उनसे कहता हूं ऐसे कबूलो जैसे जब घर में बाद में चीख चिल्ला के बात करोगे ना, घर में बाद में तो कैसे चीख रहे होते हैं ना, ऐसे अभी अभी ऐसे मिलनसार बने हुए कि आवाज ही नहीं निकल रही, ऐसे शरीफ शुरुआ बने हुए होते हैं, बाद में हालात देखो क्या होते हैं। लेकिन आज दूल्हा को देख के मजा आया, स्पीड बहुत तेज थी माशाल्लाह, ऐसा दूल्हा टाइट होता है। अभी हमने कबूलवाया है नहीं, पहले से कबूल है, मेटाबॉलिज्म होता ही इंसान के अंदर ना। अच्छा मेरे भाई, गाड़ी में तेज आवाज से तिलावत या नात लगाना कैसे जायज है? लोग सुन रहे हो तो लगाएं तिलावत, ना सुन रहे हो तो फिर ना लगाएं। आजकल सबूर नाम लड़कियों का रखा जा रहा है, हालांकि अल्लाह का नाम है, और वो नाम जो मर्द और औरत दोनों में रखा जाता है, वो नाम रखना कैसे जायज है? बाज नाम मर्द और औरत दोनों में मुश्तरक है।
बेहतर यह कि सबूर नाम ना रखें, इसलिए नहीं कि अल्लाह का नाम है, बल्कि सबूर का मतलब सबर करने वाली। इसका मतलब आप ये फर्ज कर लें मुसीबतें आएंगी फिर ये क्या करेगी, सबर। जैसे साबिरा नाम भी होता है औरतों का, तो शाकिरा नाम रखो ना, शुक्र करने वाली। यानी ये फर्ज कर लो कि नेमतें मिलेंगी और ये क्या करेगी, शुक्र। आप साबिरा भी ठीक है तो, लेकिन इसमें आप क्या मैसेज दे रहे हो कि इस पर मुसीबतें आएंगी और ये क्या करेगी, सबर। तो भाई हम अल्लाह से क्या मांगे, शुक्र मांगे ना, शाकिरा नाम हो तो साबिरा ठीक नहीं। तो इसी तरह सबूर भी साबिरा का ही, सबूर और मुबालगा है, बहुत ज्यादा सबर करने वाली। इसका मतलब बहुत खराब ससुराल उसको आप दिला रहे हो। मुफ्ती साहब आपसे फीवर के बारे में पूछना था क्या, अच्छा फ्रीलांस फाइवर के बारे में पूछना था क्या फ्रीलांस काम करना ठीक है। ये एक इसराइल की कंपनी, जो लोगों को ऑनलाइन काम जायज है। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप जो भी किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है ना, तो उनको एक जिनमें भी उस किस्म की स्किल्स होती हैं ऐसे बंदे चाहिए होते हैं, तो आप वो बंदे उनको दिलाते और उसका कमीशन लेते हो। तो ठीक है, इसमें चाहे इसराइल की कंपनी हो या जापान की कंपनी हो, कंपनियां तो आजकल हैं ज़्यादा इसराइल की। मुफ्ती साहब सफ़र की हालत में कज़ा हुई नमाजें सफ़र के अय्याम में अदा कर सकती हूँ, जी जायज़ है। सफ़र की हालत में जो नमाज कज़ा हुई है ना, वो दोबारा जब सफ़र हो तो उसमें भी हो सकती हैं, और जब मुकीम हो तो उस वक्त भी। लेकिन जब आप मुकीम होंगे तो सफ़र की नमाजें कज़ा दो ही होंगी, चार नहीं होंगी। और यहाँ वाली नमाज सफ़र में जब आप कज़ा करेंगे तो पूरी करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप पहली दाढ़ी कटवाना या शेव करवा सकते हैं, अगर दाढ़ी बढ़ाकर घनी रखने की नीयत हो। नहीं, दाढ़ी बिल्कुल काटना जायज़ नहीं है अगर शुरू में निकल रही है। मुफ्ती साहब मैं निकाह करना चाहता हूँ मगर घर में अलग कमरा नहीं है, कोई हल बता दें भाई से, वो कर लें। एक दिन तू यहाँ सोया करेगा, एक दिन इस कमरे में मैं अपनी बेगम के साथ सोया करूँगा। मुका कर लें, उस किराया दे दें उसको आधा, कि ये कमरा मैंने 15 दिन के लिए आपसे रेंट पर ले लिया है, और 15 दिन ऐसे अल्टरनेट कुछ भी कर लें। ये मेरा हेडेक नहीं है भाई, सारे गम मुझे क्यों लेके आ रहे हो, ये तुम्हारे घर में कमरा नहीं है तो मैं क्या बता। यूनिवर्सिटी में बदनजरी से बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक दफा बदनजरी होती है तो बार बार दिल चाहता है। कोई बात नहीं, जब बुढ़े हो जाओगे तो खुद ही छोड़नी पड़ जाएगी, छूटती बुढ़ापे में भी नहीं है, ये ऐसी गंदी आदत है। हिम्मत करके छोड़ो मेरे भाई, जब बदनजरी हो अपने ऊपर जुर्माना रखो, जब बदनजरी हो 100 रुपये 500 रुपये 400 अपनी जो भी आमदन के हिसाब से वो सदका करो, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। मुफ्ती साहब मेरे अब्बू चाहते हैं कि उनकी साथ मिलकर दुकान, क्या लिखा हुआ है भाई, दुकान चलाओ, क्योंकि वो अकेले होते हैं और दूसरा आदमी नहीं रखते, पैसे बचाते हैं और मुझे दुकान पर जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ एक इन्वायरमेंट गालियों वाला मारपीट वाला होता है और बेहद किस्म के औरतें, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बेहुदा किस्म की औरतें इंग्लिश में वो रोमन में लिखा हुआ है ना, बेहुदा किस्म की ख्वातीन अजीब अजीब लिबास में आती हैं और माहौल नहीं होता, इस माहौल अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। अगर मैंने मांग, क्या लिखा हुआ यार भाई, तो क्या गुनाहगार तो नहीं होऊंगा, अब मैं क्या करूं, आखिर में लिखा हुआ है जाओ दुकान पे जाके बैठो, हर जगह ऐसा ही माहौल मिलेगा आपको। गालियां मार्केट में होलसेल के हिसाब से चल रही हैं, बेपर्दा औरतें हर जगह ही हैं। अगर आप बेपर्दा औरतों की वजह से अब्बा का कारोबार नहीं चलाओगे, दुकान छोड़ दोगे, तो क्या करोगे फिर आप बैठ के। तो दुनिया में जहां भी जाओगे बेपर्दगी आपको मिलेगी सिवाय मस्जिद के। तो इन चीजों से अब लड़ना सीखना चाहिए इंसान को, ना ये कि इनसे अब भागना शुरू कर दे, भागने ये इसका हल नहीं है। कब तक भागेगा, यानी एक हद होती है ना। यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां ये माहौल है, दुकान पर शॉपिंग करने जाओगे, अब्बा कहेंगे जा बे अपनी वालदा के लिए कपड़े लेकर आ, तो आप लेडीज मार्केट में जब जाओगे तो क्या आपको वहां सारी शटल कॉक में मिलेंगी औरतें, वहां बेपर्दगी है।
तो भाई अब ये है कि अब इससे लड़ना है हमने, इससे हमने अब नज़र की हिफाजत करनी है अपने आप को। इस जो यूरोप जाते हैं वहाँ तो नेकरों में लड़कियाँ घूम रही होती हैं, अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं फिर वो नज़र की हिफाजत कर करके आदि हो जाते हैं, फिर उनके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो अब ऐसा आदि बनाना पड़ेगा अपने आप को, समझते हो? कह रहे हैं घबराना नहीं है आपने, तो क्योंकि और या तो होता ना कोई ऐसी जगह होती जहाँ सारे नेक परहेजगार और सारे बाजार भी सारे नेक सही होते, माहौल तो सब ऐसे ही चल रहा है। आप एयरपोर्ट पे जाओ अलग माहौल मिलेगा, स्टेशन पे जाओ, ट्रेन में जाओ अलग माहौल, हर जगह ही अजीब सही माहौल चल रहा है। तो अब माहौल से लड़ नहीं सकता आदमी, आपने सारे काम करने, अपने आप को नज़र की हिफाजत का आदि बनाना है, तो ये करना है आप। बिला वजह बाहर ना निकले, तो ये बिला वजह नहीं, दुकान पे तो अब्बू को बेचारों की मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी, दुकान तो बैठ जाए दुकान पे जाके आप गालियाँ ना दें, सिर्फ सुनने पर इक्तफा करें आप। गालियाँ सुनने का माहौल है, देना कोई पाबंद तो नहीं है ना, तो आप ना दें, सुने आप तबीयत से आपका बर्दाश्त की कुव्वत आप में बढ़ेगी। जिस आदमी में छुई मुई की तरह ज़िंदगी गुजारता है ना, वो वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में नाकाम होता है। जिन्होंने कभी ना कभी गाली सुनी हो, हमारे एक रिश्तेदार आए, वो पता नहीं कहाँ रहते थे, कहीं पड़ोसियों में लड़ाई हुई, वो रोने शुरू हो गए ना, उनकी बच्चियाँ, रिश्तेदार नहीं थे कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा इन्होंने ऊँची आवाज़ पहली दफ़ा सुनी है। तो यार ये क्या बचा के बेचारी क्या ज़िंदगी में माशरे में सर्वाइव कैसे करेंगी? तो माहौल जो चल रहा है ना उसमें अब इंसान को जीना सीखना चाहिए, फिर वो कामयाब फर्द बन के ज़िंदगी गुजारता है। छुई मुई बन जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा